बंगाल की खाड़ी में ऊंचे चक्रवात तूफान का असर अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है, लेकिन यह तूफान अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया है। इस तूफान ने तमिलनाडु में हजारों हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल तबाह कर दी है। इसे लेकर किसान बेहद परेशान हैं। ये तबाही इतनी बड़ी है कि पिछले एक सप्ताह में 3 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। ये हाल तमिलनाडु के सिर्फ एक जिले का नहीं बल्कि कई क्षेत्रों का है। गाजा तूफान से करीब 5 एकड़ जमीन बर्बाद होने के बाद 58 साल के सुंदर राज ने 22 नवंबर को जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले भी त्रिची जिले में 21 नवंबर को स्थानीय किसान ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। आपको बता दें कि चक्रवात गाजा का तमिलनाडु में काफी कहर रहा। 2004 में आई सुनामी के बाद इस आपदा को सबसे बड़ी आपदा माना गया था। गाजा तूफान के कारण राज्य में करीब 50 लोगों की जान चली गई थी, जबकि हजारों एकड़ जमीन तबाह हो गई थी। तूफान के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया गया था। इस तूफान के दौरान करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिसके कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ।